नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। औद्योगिक संगठनों का संबोधन करते हुए सीईओ आरएसपी कहते हैं, आरएसपी में उपलब्ध नई सुविधाएं एमएसई के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में मदद करेगा। राउरकेला स्टील प्लांट के अंदर गहन सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जारी। और राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा आयोजित सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव में कुआर मुंडा ब्लॉक के 30 नृत्य दल शामिल। अब समाचार विस्तार से। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चट्टेराज ने सीईओ के सम्मेलन कक्ष में 23 नवंबर को प्लांट स्तरीय सलाहकार समिति पीएलएसी को 56वीं बैठक में संबोधित करते हुए कहा, सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी में उपलब्ध नई सुविधाएं एमएसई के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में मदद करेगा। इस सिलसिले में स्थानीय औद्योगिक आगामी विशाल परियोजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए अपनी विशाल संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पीएलएसी आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न उद्योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ आरएसपी का विचार विमर्श करने का उच्चतम स्तर है। उद्योग निर्देशक ओडिशा सरकार श्री प्रणब ज्योतिनाथ, अतिरिक्त सचिव एमएसएमई ओडिशा सरकार श्री यूएन दास, निर्देशक निर्यात संवर्धन और विपणन श्री एस के जेना, उपायुक्त आरएमसी श्री एस एन भोई, संयुक्त निर्देशक ईपीएम श्री एस एन मिश्र, महाप्रबंधक आरआईसी श्री एस के महंती, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निर्देशक वाक श्री गौतम बनर्जी, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पी निगम, आरएसपी और ओडिशा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विक्रेताओं और उद्योगपतियों के संघ के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गुणवत्ता, अर्थनीति और समय पर डिलीवरी के सही संयोजन के साथ स्थानीय एमएसएमई और आरएसपी के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने और बनाए रखने पर जोर करते हुए सीईओ ने कहा, औद्योगिक दोस्तों के रूप में हम एक दूसरों की प्रतिमाताओं को जानते हैं। हम एक साथ प्रगति के भागीदार के रूप में समृद्ध होने का रोड मैप विकसित कर सकते हैं। आपसे विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने एमएससी के अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल से उत्पादित गुणवत्ता युक्त हॉट रोल्ड उत्पादों को प्रोसेस कर कोल्ड रोल मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन कर लाभ अर्जित करने का आग्रह किया। विभिन्न टर्न की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में शामिल कंसोर्टियम पर विस्तार से चर्चा करते हुए श्री चट्टेराज ने एमएससी को बेहतर तकनीकी का ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कंसोर्टियम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले श्री नाथ ने अपने स्वागत भाषण में आरएसपी द्वारा 2014 के बाद फिर से बैठक आयोजित करने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने आरएसपी द्वारा एमएसई से खरीद में निरंतरता बनाए रखने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने रिश्तों में सहजता लाने, विलंबित भुगतान से उत्पन्न एमएसईएफसी मुद्दे का और शिकायत निवारण सहित कई अन्य बिंदुओं पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एमएसई को बढ़ावा देने के लिए नियमित परस्पर बातचीत और आपसी सहयोग पर जोर दिया। श्री डी के महापात्र ने अपने संबोधन में स्थानीय एसएसआई इकाइयों को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय इकाइयों से खरीद करना हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि यह समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने के साथ साथ तत्काल आवश्यकताओं को जल्द पूरा करने के लिए मदद करता है।
श्री दास ने अपने संबोधन में स्थानीय उद्योगों और आरएसपी के बीच एक सहजीविता संबंध बनाने पर जोर दिया। श्री जेना ने एमएसई और पीएसयू के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों पर बात की और इससे अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने इस विचार विमर्श सत्र के लिए सीईओ और टीम आरएसपी को धन्यवाद दिया। सहायक महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री आनंदिता महापात्र द्वारा एक प्रस्तुति दी गई ताकि सदस्यों को स्थानीय एमएसई को आरएसपी द्वारा दिए गए समर्थन में एक अंतर्दृष्टि प्रदान किया जा सके। महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन परचेस और पीईवीडी श्री श्रीकांत पांडा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री शिखा जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्लांट के भीतर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु आरएसपी कर्मी समूह द्वारा बड़े पैमाने पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सिलिकॉन स्टील मिल एसएसएम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 22 नवंबर को आरएसपी के मेन गेट के पास सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व महाप्रबंधक प्रभारी एसएसएम श्री ए बिश्वाल ने किया। अभियान के दौरान प्लाकार्ड को कारखानों के मानदंडों और सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा दर्शाया गया था। मानदंडों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को भी इस अवसर पर परामर्श दिया गया। सहायक महाप्रबंधक सीआरएम एवं डीएसओ सीआरएम एवं एसएसएम श्री ए वी प्रदीप ने कनिष्क अधिकारी सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग तथा सीएसआरएम सिलिकॉन स्टील मिल प्लेट मिल नई प्लेट मिल एवं रोल शॉप श्री ए के महान के साथ मिलकर कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि राउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज के मार्गदर्शन में राउरकेला स्टील प्लांट के अंदर सड़क सुरक्षा पर गहन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नेतृत्व कार्यपालक निरीक्षक वाक श्री गौतम बैनर्जी द्वारा किया जा रहा है, जो सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से औचित जाँच करते हैं और कर्मचारियों को परामर्श देते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट के सीएसआर विभाग द्वारा 20 नवंबर को जगदीशपुर गांव में आयोजित सिनर्जी लोक संस्कृति महोत्सव की जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में कुवार मुंडा ब्लॉक के विभिन्न गांवों के 30 नृत्य मंडलियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आरएसपी के महाप्रबंधक पीएच एवं एसडब्ल्यू शिबी के राउत ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर आरएसपी के अधिकारी सरपंच ग्राम के बुजुर्ग और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री राउत ने संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए आरएसपी की पहल की सराहना की। उन्होंने इस उत्साह की भी सराहना की जिसके साथ नृत्य मंडली ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। उप महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्र ने सभा का स्वागत किया। श्री राउत ने नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पहला दूसरा और तीसरा पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रथम पुरस्कार में शामिल 5000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी पुटरी खमन ग्राम पंचायत के कुदा बेड़ा गांव द्वारा हासिल की गई। टूअर जोर ग्राम पंचायत मंचपाड़ा गांव ने दूसरा पुरस्कार जीता, जिसमें 4000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी शामिल था। तीसरा पुरस्कार मंग 3000 रुपये नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान किए पदमपुर पंचायत के सारदामल गांव को दिया गया। इस अवसर पर निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया। शेष भाग लेने वाली 27 टीमों में से प्रत्येक को 1500 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का आयोजन आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा जगदीशपुर गाँव के स्थानीय स्वयं सहायता समूह कल्याणी के सहयोग से किया गया था। सवेरे आरएसपी सीएसआर के महाप्रबंधक प्रभारी श्री एमवी अप्पाराव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया था। उल्लेखनीय है कि अपनी सीएसआर पहल के तहत आरएसपी हर साल सिनर्जी लोक संस्कृति महोत्सव का आयोजन करता है। जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं को 4 ब्लॉकों में आयोजित किया जाता है और प्रतियोगिता का फाइनल राउरकेला में आयोजित किया जाता है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।